हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फिनांशियल मैनेजमेंट का क्लास, ठीक है। तो बीकॉम सेमेस्टर 6 के लिए जो ऑनर्स पेपर है फिनांशियल मैनेजमेंट, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है और यूजीसी नेट के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। तो आज से ये पहला लेक्चर है फिनांशियल मैनेजमेंट का। इसमें हम लोग क्या सीखेंगे, बेसिक डिफिनेशंस वगैरह सीखेंगे कि फिनांशियल मैनेजमेंट होता क्या है, क्यों फिनांशियल मैनेजमेंट का नीड है, इसमें क्या क्या डिसीजन लिया जाता है। ओके, तो चलिए इसको देखते हैं। तो फिनांशियल मैनेजमेंट यानी फिनांस इज डिफाइंड एज द प्रोविजन ऑफ मनी एट द टाइम व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। यानी कि फिनांशियल मैनेजमेंट क्या है कि पैसे का, मनी का रिक्वायरमेंट पता करना, आइडेंटिफाई पता करना कि मनी का कब, कितना और कहां से रिक्वायरमेंट है, ये फुलफिलमेंट करना ही मेजर ऑब्जेक्टिव होता है किसका, एक फिनांशियल मैनेजमेंट का। और एक बात, फिनांशियल मैनेजमेंट भी आपका मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है। मैनेजमेंट हम लोग समझे हैं ना कि मैनेजमेंट क्या होता है, परवाइसिव नेचर होता है, तो मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है फिनांशियल मैनेजमेंट। ओके, तो फिनांशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या हमने समझाया कि याद कर लेंगे, फाइनेंस इज डिफाइंड एज द प्रोविजन ऑफ मनी एट द टाइम व्हेन इट इज रिक्वायर्ड, यानी मनी का प्रोविजन करना, कब, जब रिक्वायरमेंट हो, कहाँ से, जहाँ से सस्ते रेट में हमको लोन मिल जाए वहाँ से इकट्ठा करना फाइनेंस कहलाता है। द रोल ऑफ फाइनेंस इन बिजनेस इंटरप्राइजेज नीड नो एम्फेसाइजेज। एवरी इंटरप्राइज वेदर बिग और स्मॉल नीड फाइनेंस टू कैरी ऑन एंड एक्सपेंड इट्स ऑपरेशन। फाइनेंस होल्ड द की टू ऑल द बिजनेस एक्टिविटी एंड अ फर्म्स सक्सेस, एंड इन फैक्ट इट्स सर्वाइवल इज डिपेंडेंट अपॉन हाउ इफिशियंटली इट इज एबल टू अक्वायर एंड यूटिलाइज द फंड। सिर्फ अक्वायर करना ही पर्पस नहीं है फिनांशियल मैनेजमेंट का, यानी कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में फंड की रिक्वायरमेंट होती है। तो फंड रिक्वायरमेंट है तो ये पहले पता करना कि कितने फंड का रिक्वायरमेंट है, और रिक्वायरमेंट पता कर ली, अब इसके बाद प्रोक्योरमेंट करेंगे फंड का, मतलब कि फंड लाएंगे हम लोग कहीं से इकट्ठा करके, कहाँ से लाएंगे, जहाँ पर सस्ते रेट से मिल सकेगा। और उस फंड को लाने के बाद क्या करेंगे, वैसे ही छोड़ देंगे बिजनेस में, नहीं, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे करना है फंड का, ये मेन फंक्शन है फिनांशियल मैनेजमेंट का। जब आप फिनांशियल मैनेजर बनेंगे तो आपको यही सब काम करना है। तो बेसिक तीन काम क्या करना है कि पहले आइडेंटिफाई करना है कि बिजनेस में आपका पैसा कितना ज़रूरत है, और शॉर्ट टर्म ज़रूरत है कि लॉन्ग टर्म ज़रूरत है। अब ये पता कर ली कि कितने पैसे का रिक्वायरमेंट है, अब क्या करेंगे कि अब उसका प्रोक्योरमेंट करेंगे, यानी पैसा फंड में, फंड लाएंगे बिजनेस में। अब लाने के बाद तीसरा स्टेप क्या करेंगे कि उस पैसे का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कैसे हो, अच्छा से अच्छा यूटिलाइजेशन कैसे हो, ये काम करना आपका। फिर फाइनेंस हैज बिकम टू इम्पॉर्टेंट फॉर द बिजनेस इंटरप्राइजेज दैट इट हैज गिवन बर्थ टू फिनांशियल मैनेजमेंट। और यहीं से शुरू होता है आपका फिनांशियल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट, कहाँ से कि कितना रिक्वायरमेंट है, कहाँ से रिक्वायरमेंट है, कब रिक्वायरमेंट है, यही चीज़ों, यही क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए फिनांशियल मैनेजमेंट का बर्थ हुआ। फिर है फिनांशियल मैनेजमेंट एज अ सेपरेट सब्जेक्ट, इसको एक सेपरेट सब्जेक्ट बना दिया गया। फिनांस मैनेजमेंट इज द पार्ट ऑफ मैनेजरियल प्रोसेस विच इज कंसर्न्ड विथ द प्लानिंग कंट्रोलिंग ऑफ फर्म्स फाइनेंस रिसोर्सेज। जैसा कि मैंने बताया ना कि फिनांशियल मैनेजमेंट क्या है, एक मैनेजमेंट का ही पार्ट है, जिसमें क्या चीज़ का मैनेजमेंट होता है, सिर्फ पैसे रुपए का मैनेजमेंट होता है, रिसोर्सेज का मैनेजमेंट होता है। इट इज कंसर्न्ड विथ द
प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड फ्रॉम द मोस्ट सुटेबल सोर्सेज। क्या करना, प्रोक्योरमेंट का मतलब कि बिजनेस में पैसा लाना, कहाँ से, मोस्ट सोर्स एंड मेकिंग द मोस्ट इफिशियंट यूज ऑफ सच फंड, अच्छे जगह से लाना, अच्छे जगह पर यूज करना। इन द अर्लियर स्टेजेज फिनेंशियल मैनेजमेंट वॉज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। पहले क्या था ब्रांच, फिनेंशियल मैनेजमेंट अलग से नहीं था, इसको स्टडी इकोनॉमिक्स में किया जाता था। एंड एज अ सेपरेट सब्जेक्ट इज टू रिसेंट ऑरिजिन, अब सेपरेट इसको स्टडी किया गया। तो समझ में आया फिनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या चीज, कि पहला काम क्या करना कि ये पता करना, आइडेंटिफाई करना, क्या करना, आइडेंटिफाई करना कि कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है। दूसरा क्या करना, प्रोक्योरमेंट करना। प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या, प्रोक्योरमेंट का मतलब हुआ कि आप कहाँ से फंड लाएंगे। तीसरा क्या होगा, तीसरा होगा कि उस फंड का इफेक्टिव यूज आप कैसे करेंगे, यानी कि मैक्सिमम या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन इसको बोल सकते हैं। क्या करना है, ऑप्टिमम यूटिलाइज करना है कि कैसे अच्छे से अच्छे यूटिलाइज करें इसको, ताकि मेरा अच्छा अर्निंग हो सके। ये मेन काम है, इसके अलावा और भी बहुत सारा फंक्शन है जो कि आगे देखेंगे, डिविडेंड पॉलिसी है, अदर भी बहुत सारा पॉलिसी है, तो वो सब आगे हम लोग देखेंगे। अब है चेंजिंग रोल ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट। अब धीरे धीरे क्या हो गया कि पहले तो इकोनॉमिक्स में स्टडी किया जाता था, फिर ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ा बिजनेस में, ज़्यादा ज़रूरत पड़ा फाइनेंस का, तो अलग से फिनेंशियल मैनेजमेंट का स्टडी किया जाने लगा, इमर्ज हुआ न्यू फिनेंशियल मैनेजमेंट। अब धीरे धीरे और इसका स्कोप बढ़ते गया, और जनरली हर एक बिजनेस में रिक्वायरमेंट है, चाहे बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो या बहुत बड़ा हो, हर बिजनेस में इसका रिक्वायरमेंट है फंड का मैनेज करने के लिए। तो रिसेंटली क्या है कि चेंजिंग रोल ऑफ फिनेंशियल मैनेजर, फिनेंशियल मैनेजमेंट इमर्ज्ड एज अ डिस्टिंक्ट फील्ड ऑफ स्टडी एट द कमेंसमेंट ऑफ 20th century में ज़्यादा पॉपुलर होने लगा बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन साइज ऑफ बिजनेस इंटरप्राइजेज। फिनेंशियल मैनेजमेंट एज सेपरेट डिसिप्लिन हैज अंडरगोन अ फंडामेंटल चेंजेज इन दी इन इट्स स्कोप एंड कवरेज। इन द अर्ली ईयर्स ऑफ इट्स इवोल्यूशन इट्स रोल वॉज कन्फाइंड ओनली द रेजिंग ऑफ रिक्वायर्ड फंड। यानी कि जब 20th century में इसका स्टडी किया जाने लगा, रिक्वायरमेंट महसूस हुआ कि हाँ अलग से स्टडी करना चाहिए, तो उस वक्त में क्या था, मेन फोकस होता था कि पैसा कहाँ से रेज किया जाए, फंड कहाँ से लाया जाए, ये ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था कि कैसे यूज करना है, बस पैसा ला देना है, यही इम्पोर्टेंट रोल था पहले का। लेकिन अब प्रेजेंट सिनारियो में क्या है, 21st century में क्या है कि प्रोक्योरमेंट भी करना कि कहाँ से पैसा लाएं, और उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन भी करना मेन फंडामेंटल था आपका। फिर अब हम लोग देखेंगे अप्रोचेज। अप्रोचेज आर डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरी। हम लोगों ने अब तक क्या समझा कि फिनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, तो फिनेंशियल मैनेजमेंट होता है कि पैसे का रिक्वायरमेंट कितना है ये पता करना, और सोर्सेज कहाँ से पैसा लाएं ये पता करना, और उसका यूटिलाइज अच्छे से कैसे करें, ये काम करना था फिनेंशियल मैनेजमेंट का। और इसका इवोल्यूशन कब हुआ, यानी कब ये प्रचलित में आया, 20th century में। और पहले किसका था स्टडी, इकोनॉमिक्स में इसका स्टडी किया जाता था, अब इसका अलग से सेपरेट किया जाने लगा। तो अब इसका कुछ कुछ अप्रोचेज है, मतलब एक सिद्धांत समझिए कि प्रिंसिपल है। तो इसमें दो अप्रोचेज है, पहला है ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ फाइनेंस फंक्शन, दूसरा होगा मॉडर्न अप्रोच, या उसको ये बोल सकते हैं साइंटिफिक अप्रोच। तो पहला पढ़ लेते हैं हम लोग, ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ फाइनेंस फंक्शन, याद रखेंगे ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है, आपके एग्जाम में आ सकता है, दोनों में कंपेयर करना या दोनों के बारे में लिखना 5 नंबर के लिए एटलीस्ट। तो इसमें लिखा हुआ, इनिशियली फाइनेंस वाज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक
एंड नो सेपरेट अटेंशन वॉज पेड टू फाइनेंस। जैसा कि मैंने बताया 20th सेंचुरी में क्या था कि इकोनॉमिक्स का ही पार्ट था, अलग से इसका अटेंशन नहीं दिया जाता था, फाइनेंस का अलग से स्टडी नहीं होता था। फिर बिजनेस ऑनर वर मोर कंसर्न्ड विथ ऑपरेशनल एक्टिविटी, द फाइनेंस मैनेजर यूज टू कंसर्न्ड विथ रिकॉर्ड कीपिंग प्रिपेयरिंग डिफरेंट एफर्ट्स एंड मैनेजिंग कैश। सिर्फ कैश का थोड़ा बहुत मैनेजमेंट होता था, बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं होता था ट्रेडिशनल अप्रोच में। अ फाइनेंस मैनेजर वॉज कॉल्ड अपॉन अ पार्टिकुलर ओनली ही सेपरेटली वॉज रिक्वायर्ड टू लोकेट न्यू सोर्स ऑफ फंड वेन एवर देयर वॉज अ नीड। यानी पहले क्या होता था, जब शुरू में आया तो ट्रेडिशनल का मतलब क्या होता है, पुराना अप्रोच, पुराने ख्यालात। तो पहले क्या था, मेन वर्ड कीवर्ड याद रखेंगे स्टूडेंट्स, कि पहले क्या था कि सिर्फ ये पता करना कि कितना फंड का रिक्वायरमेंट है, और जहाँ से भी, चाहे महंगा मिले सस्ता मिले, कहीं से भी मिले। महंगा सस्ता कहने का मतलब कि अगर आप लोन ले रहे हैं तो 15% के इंटरेस्ट पर ले रहे हैं, 20% 25% या 8% किस रेट से ले रहे हैं, तो आपको कौन सा लेना पसंद रहेगा, सस्ता रेट पर ना, ताकि इंटरेस्ट का पेमेंट कम करना पड़े। बट पहले क्या होता था, कहीं से भी पैसा मिले बस बिजनेस में ला देना है, यही मेन काम था ट्रेडिशनल अप्रोच में, यही मेन डिफरेंसेज है। और मॉडर्न अप्रोच में क्या है, हर जगह से पैसा नहीं लाना है, कहाँ से लाना है, वहीं से प्रोक्योरमेंट करना है फंड का, जहाँ से चीपर रेट में, सस्ते रेट में आपको फंड अवेलेबल हो जाए। अब इसमें बेसिक क्या था, फाइनेंस फंक्शन वाज कंसर्न्ड विथ प्रोक्योरिंग ऑफ फंड। पहले क्या था, सिर्फ कहाँ से पैसा लाएं, एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन एक्टिविटी, एंड दस अकरेंस ऑफ फाइनेंस फंक्शन वाज एपिसोडिक इन नेचर। फाइनेंस फंक्शन वाज नॉट पार्ट ऑफ रेगुलर मैनेजरियल ऑपरेशन। पहले रेगुलर फाइनेंस का ज़रूरत नहीं था, कभी कभी फाइनेंशियल का जब ज़रूरत होता था पैसे का, तब मैनेजमेंट किया जाता था। जब नहीं था पैसे का रिक्वायरमेंट, तो उतना ध्यान इस पर नहीं दिया जाता था। बट करंट सिचुएशन में, यानी मॉडर्न सिचुएशन में, साइंटिफिक सिचुएशन में क्या है कि ध्यान दिया जाता है, हमेशा ऑपरेटिंग किया जाता है, डे टू डे एक बिजनेस का नेसेसरी पार्ट हो गया फाइनेंस मैनेजमेंट। तो वही चीज़ लिखा हुआ, फिर इन ऑर्डर टू फाइनेंस बिजनेस ग्रोथ देयर वॉज एन इमरजेंस ऑफ इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग एंड इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग गिविंग राइज टू फाइनेंस इंडस्ट्री। यानी उस टाइम धीरे धीरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का गठन होते गया, रिकॉन्स्टिट्यूशन होते गया, वहाँ से पैसा धीरे धीरे कंपनी को मिलते गया। फिर ऐसी कुछ और मेजर इसका पॉइंट है। मेजर क्या याद रखेंगे, ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या है कि आपको पैसे का कहीं से अरेंजमेंट कर लेना, बस काम खत्म। दो तीन पॉइंट याद रखेंगे, पहला पॉइंट क्या, कहीं से भी फंड का अरेंजमेंट कर लेना है, नहीं ध्यान देना है कि कहाँ से ले रहे हैं, सस्ते रेट पर ले रहे हैं या फिर महंगे रेट पर ले रहे हैं, कोई मतलब नहीं। और दूसरा ये कि आपका अच्छे से यूटिलाइजेशन करना कोई ज़रूरी नहीं था, पैसा एक साल बाद में ज़रूरत है, आज ही प्लानिंग कर ली, आज ही पैसा लाके बिजनेस के बॉक्स में रख दिए, एक साल तक पैसा वैसी पड़ा हुआ है तो बेकार जा रहा है ना एक साल पैसा। पैसा तब लीजिए जब रिक्वायरमेंट है, उसे एक से दो दिन पहले लीजिए। तो ये चीज़ नहीं था, पहले क्या था, आज ज़रूरत है बहुत दिन पहले ले लिया जाता था पैसा, या आज ज़रूरत है बहुत दिन के बाद पैसा लिया जाता था, हायर रेट पर ले लिया जाता था, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। और क्या होता था कि डेली कैश मैनेजमेंट नहीं होता था, डेली फिनांशियल मैनेजमेंट नहीं होता था, छोटा मोटा कैश का मैनेजमेंट होता था, बट फिनांशियल मैनेजमेंट इसेंशियल पार्ट नहीं माना जाता था बिजनेस का। मेन पार्ट क्या माना जाता था, बस प्रोडक्शन करो बेचो, प्रोडक्शन करो सामान को बेचो, बस यही था। तो दो तीन वर्ड याद रखेंगे, ओके। अब आगे आ जाते हैं, और जो भी डाउट्स होता है उसको ज़रूर कमेंट में करके पूछते रहेंगे, और PDF अगर इसका चाहिए तो ज़रूर कमेंट करेंगे, हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, और इस चैनल के साथ ज़रूर बने रहेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे, ओके। ठीक है, आगे देखते हैं कौन सा अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच। कौन सा अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच। पहला अप्रोच पढ़े थे ना हम लोग ट्रेडिशनल,
अब क्या है मॉडर्न अप्रोच ऑफ फाइनेंस फंक्शन, द ट्रेडिशनल अप्रोच आउटलिव्ड इट्स यूटिलिटी इन द चेंज्ड बिजनेस सरकमस्टांसेज इन द मिड 1950s, यानी बेसिकली 1950 से पहले का जो अप्रोच था उसको बोला जाता है ट्रेडिशनल, 1950s के बाद जो आया उसको मॉडर्न बोला जाने लगा। अ नंबर ऑफ फैक्टर्स सच एज टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, इंक्रीज साइज ऑफ बिजनेस इंटरप्राइजेज, इंटेंस कंपटीशन एट्सेट्रा नेसेसिटाइजेज, मतलब नेसेसरी होने लगा इफिशियंट एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फर्म्स फाइनेंस रिसोर्सेज। एज अ रिजल्ट द स्कोप ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट ऑल्सो चेंज्ड एंड द मॉडर्न अप्रोच वॉज रिमूव्ड या रिप्लेस्ड डेवलप्ड, सॉरी मॉडर्न अप्रोच डेवलप किया गया 1950s के बाद, जब टेक्नोलॉजिकल इन्हांसमेंट होते गया, बहुत ज़्यादा फॉर्म में ग्रोथ होते गया, बिजनेस बड़ा होते गया, तो अब रिक्वायरमेंट ज़्यादा ज़्यादा पैसे का ज़रूरत पड़ने लगा, तो ज़्यादा ज़्यादा फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी इस्टाब्लिश होने लगा, तो अब सस्ते रेटों पर भी मिलने लगा, तो ये सब ध्यान दिया जाने लगा। कब? मॉडर्न अप्रोच में। फिर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न थ्योरी ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट आर, क्या क्या है यानी कि मॉडर्न अप्रोच कैसे आने लगा, तो थ्योरी ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट डेवलप्ड बाय हैरी मार्कोविट्ज इन 1950s विच डील्स विथ पोर्टफोलियो, यानी मेजर कंसर्न, मेजर किसको जाता है श्रेय कि कौन डेवलप किए हैं मॉडर्न थ्योरी, तो हैरी मार्कोविट्ज। फिर सेलेक्शन विथ रिस्की इन्वेस्टमेंट, दिस थ्योरी यूजेज स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट टू क्वांटिफाई द रिस्क रिटर्न। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ होल्डिंग अ ग्रुप पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट्स और एसेट्स, अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस थ्योरी इज दैट द रिस्क ऑफ वन इन्वेस्टर इज व्यूड इन इट्स टोटलिटी रैदर दैन इवेल्युएटिंग द रिस्क ऑफ वन सिक्योरिटीज। कहने का मतलब कि इसमें इफेक्टिव यूटिलाइजेशन किया जाने लगा फंड का, ये देखना है कि कहाँ पर ज़्यादा सरप्लस है, पैसा ज़्यादा पड़ा हुआ है, वहाँ से पैसा लेकर के जहाँ पर पैसे का रिक्वायरमेंट है वहाँ पर फुलफिल करना। ये सब काम करने से क्या होने लगा कि अच्छे रेट पर यानी कम रेट पर पैसा मिलने लगा बिजनेस को। दूसरा थ्योरी क्या है, दूसरा थ्योरी है थ्योरी ऑफ लिवरेज एंड वैल्यूएशन ऑफ फर्म। लिवरेज का मतलब यह हुआ कि आजकल के समय में देखेंगे आप लोग तो मैक्सिमम कंपनी, मैक्सिमम क्या बल्कि हर एक कंपनी चाहे बड़ी हो या छोटी हो लोन जरूर लेती है फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या बैंकिंग कंपनी से, हर कंपनी लोन लेती है। क्यों लोन लेती है? ताकि पैसे का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो लोन ले लेंगे कुछ पैसा, कुछ अपना पैसा लगा के बिजनेस करेंगे और अच्छा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे और मार्केट में बेच करके और ज़्यादा प्रॉफिट अर्निंग करेंगे। तो इसको बोला जाता है थ्योरी ऑफ लिवरेज, यानी हर एक कंपनी चाहती है लोन लेना। तो पहले क्या था, अगर ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करें तो ज़्यादा रेट पर इंटरेस्ट रेट पर मिलता था लोन तो हर कंपनी नहीं लेती थी। अब क्या है, कम रेट पर मिलने लगा और इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होने लगा फंड का, तब कंपनी हर कंपनी लोन लेती है। तो ये भी एक रीज़न था जो कि डेवलप किया गया, ज़रूरत पड़ा मॉडर्न अप्रोच का। तो आज के लिए बस इतना ही। अच्छा एक चीज़ और, जैसे कि मैंने अभी बताया भी था कि बेसिक स्टडी क्या करते हैं इसमें, ये चारों वर्ड याद रखेंगे स्टूडेंट्स। बेसिक इसमें क्या स्टडी होता है, फाइनेंसिंग डिसीजन यानी कहाँ से पैसा आएगा, फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहाँ पे पैसा का यूज करेंगे और यूज करके जो प्रॉफिट अर्न करेंगे शेयर होल्डर में बांटेंगे उसको डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन बोलते हैं। यही तीनों पे बेसिस है, बेसिक है आपका पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कमिंग चैप्टर्स हम लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजन ही स्टार्ट करने वाले हैं, तो ये तीनों एक अलग से चैप्टर ही होगा, तो इसको भी याद रखेंगे ज़रूर। तो ठीक है, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।